हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? हर्षिता खंडेलवाल, प्रिंसी सिंगल, अनामिका पटेल, लवली, लोकेंद्र ओझा, दिव्यांश चौधरी। बेटा, जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? सुशांत, अश्विनी, लवली, तमन्ना, रवि, ओके। नमस्कार मेरे भाई, नमस्ते। चलिए दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी आज की स्पेशल क्लास में। दोस्तों, सैटरडे और संडे को बेटा आपकी स्पेशल क्लास नहीं हो पाई थी, तो बेटा अभी हम आज से अपनी स्पेशल क्लास की ये जर्नी बेटा कंप्लीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिन है बच्चों आज सोमवार का और समय है सुबह 9 बजे का। बेटा 9 o'clock में आपके साथ रीजनिंग के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आया। मैच आपका स्टार्ट हो गया और बेटा मैथ बहुत तरीके होते हैं। आपके सामने सवाल में बड़ा आसान सा डेटा दिया गया है, ट्राई टू सॉल्व द कंसेप्ट, क्या सवाल बनना चाहिए? समय बेटा मैं आपको इस सवाल में दे रहा हूं 1 मिनट का। 1 मिनट में उत्तर चाहिए, कमेंट सेक्शन में उत्तर मत कीजिएगा, हमें आपसे उत्तर केवल पोल पर चाहिए बेटा, उत्तर केवल आपसे हमें पोल पर चाहिए। पहले ही सवाल में कई बच्चों ने गलती कर दी, पहले ही सवाल में कई बच्चों ने नील बट्टा सन्नाटा वाला काम कर दिया। भाई सवाल तो बड़ा इजी था, काश आपने रेशो टॉपिक पढ़ लिया होता तो आज इस प्रकार की समस्या तुम्हें कभी झेलनी नहीं पड़ती बेटा। 10 साल पहले, बिल्कुल भाई, इनिशियल फाइनल से भी कर सकते हैं आप। इनिशियल फाइनल तुम्हें बढ़िया समझ में आया ना सूरज? बहुत बढ़िया। तो लगभग आधी क्लास के आसपास ही बच्चे इस सवाल को ठीक, आज रेशो को 7:1 की एज हो गई, यानी ये अगर 9 है तो ये 4 है, इतना रेशो आपको दिया गया। अब दोस्तों आपको एक बाल में इधर तो सवाल करने में देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये 7 से 9 हो गया, ये 2 से 4 हो गया, दोनों में दो दो इंक्रीज हुआ। दोस्तों दो दो इंक्रीज का मतलब वैल्यू आ गई 10 साल पहले। गैप कितना? 1 की वैल्यू आ गई 10। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है दोस्तों। बहुत ही गजब का कंसेप्ट था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। 110 आपके सवाल का उत्तर। क्या सारे बच्चों को सवाल नंबर 1 समझ में आया बढ़िया से? बिल्कुल मेरे भाई। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया डाइस का। सेकेंड सवाल दोस्तों आपको दिया गया डाइस का। डाइस का दोस्तों मतलब ये है पासा, और पासे में ये दिया गया कि अगर 6 लोअर बोर्ड पर है तो बताइए ऊपर वाले बोर्ड पर क्या आएगा। बेटा इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय मोर देन सफिशियंट है, ऐसा मैं समझता हूं। बेटा अर्थमेटिक का बैच आ रहा है 14th of July से। एडवांस का बेटा साथ में स्टार्ट करूंगा, अभी एडवांस की डेट फाइनल नहीं है। एक बार अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट हो जाए फिर आपको एडवांस का बैच भी जल्द ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अनअकैडमी पर ही आएगा दोस्तों। सुनो भाई बेटा, इन दोनों में तीन तीन कॉमन है, 3 1 5, 3 4 2, 3 1 5, 3 4 2, इस 3 को काट के 6 कर दीजिए, क्योंकि अब तक हमारे पास 6 नहीं आया। बेटा 3 और 6 आमने सामने, 1 और 4 आमने सामने, 2 और 5 आमने सामने, तो आपसे पूछा गया 6 के सामने क्या आएगा, तो आप कहिएगा 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ना मैंने आपको 2-4 महीने पहले बेटा एक अर्थमेटिक का बैच पढ़ाया था, एक अंकगणित का बैच पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं जितने बच्चों ने ये बैच, आपको मुझे बताओ किसी में 500 किसी में 400, ये चाहता हूं कि आपका दोस्त मान थर्ड क्वेश्चन में 3 बार 4 बार उत्तर बजाय या अन की डेटा सब क्वेश्चन में आप होते, जैसे ही बैच होगा बेटा मैं आपको बता दूंगा।
बेटा मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आया है, पर मैंने अपने विचार से ही बैच को लाइव कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। तसल्ली करवाने की बात हो गई। कृष्णा भाई हम जानते हैं इन बातों को अच्छे से। बिल्कुल भैया मुस्कान, बेटा अपने सारे बैच फाउंडेशन ही होते हैं बेटा। हमें क्रैश कोर्स करवाना नहीं आता है, हमें क्रैश कोर्स करवाना नहीं आता है बेटा। 10 आप ये 22 का दुगना करके असमान का चयन करें। दोस्तों ऑड वन आउट का सवाल है, ये ऑड वन आउट का विजातीय छांटना। दोस्तों विजातीय का साफ साफ मतलब ये होता है कि चार में से एक चीज को अलग करना है, और चार में से एक को अलग करने के लिए दोस्तों आपको पता है कि तीन बातों को सेम करना पड़ता है। कंसेप्ट बच्चे बच्चे के दिमाग में ये फिट हो गया कि सर चार में से तीन बातों को सेम करना होगा, तीन चीजों को एक जैसा बनाना होगा। ये दोस्तों फॉलो नहीं। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, नहीं बेटा अहमद ये लॉजिक बेटा काम नहीं करता है, ऑप्शंस दाएं बाएं होते हैं, छोड़ दीजिए। आपको यही लॉजिक करना पड़ेगा कि चार में से तीन बातें सेम करनी है। बेटा जल्द ही लाएंगे माही, बेटा मैथ्स का जब भी मिस्ती दास, बेटा मैथ्स का बैच आएगा बेटा, जल्द ही आएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, डोंट वरी। मेरे को लगा एक कदम तेज चलता है, और तुमने कंसेप्ट पता होते हुए भी, कैलेंडर के बारे में जानकारी पता होते हुए भी क्वेश्चन गलत कर दिया है। हाँ मैं समझ पाता हूं बेटा, ये चीजें देखो एग्जाम वाले करते हैं। हर्षिता, लकी, स्काई, सॉलिट्यूड, सुमित, देवेंद्र, संजय, सुमित, ऋषभ बताई थी कि नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी डे सेम होता है। नॉर्मल ईयर का दोस्तों पहला और आखिरी डे सेम होता है, तो एग्जामिनर ने आपको बोला कि 1 जनवरी 2101 को थर्सडे, 1 जनवरी 2101 को थर्सडे है, लिखा था वेडनेसडे भी होते हैं, लेकिन बालक जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। बेटा ऐसी जल्दबाजी, ऐसी गलती ना हो, सो काइंडली बी वेरी केयरफुल बेटा। प्रैक्टिस क्लास बेटा सुबह आपकी 9 बजे चलेगी, 9 से लेकर 10 बजे बेटा। इस हफ्ते की मैंने थर्सडे तक की क्लास लाइव कर दी है, आगे बेटा लाइव हो जाएंगी, 4 दिन क्लास लाइव हो चुकी हैं। आप रेगुलर बेस पे अभ्यास किया करो बेटा। सी आई एर तो डी का अपोजिट लेटर पेयर, शीतल जैसा आपको उचित लगे भाई, जैसा आपको उचित लगे। हीट और सन का जो रिलेशन है, हीट और सन का वो सेम रिलेशन किसका बनना चाहिए, 30 सेकंड में सवाल का उत्तर आ जाना चाहिए। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। जिस प्रकार आपको सूर्य से हीट मिलती है, सूर्य से आपको ताप मिलता है, सूर्य से आपको बेटा पावर मिलती है, उसी प्रकार क्या आपको फ्रूट से विटामिन मिलते हैं। अभी छत से डिकोडिंग का एक काफी आसान सवाल, कोडिंग डिकोडिंग का काफी एक आसान क्वेश्चन। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के इस सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए। इतना समझ लीजिए कि अल्फाबेट की नंबरिंग आपको आनी चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग आपको आनी चाहिए। अगर दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग आपको याद है तो आप एक एक सवाल ईमानदारी से कर पाओगे। अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग आपके सामने आनी चाहिए। दोस्तों सवाल बहुत इजी है, कहानी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिकल फाइंड करना है। बी ए सी के आपने कोड किया है बेटा 1 1 3 1 2, तो क्या आप समझ गए क्या कि अल्फाबेट की नंबरिंग को देखो उल्टा लिखा हुआ है। ये रहा के 11 पे, सी आता है बेटा 3 पे, ए आता है 1 पे, और बी आता है
दो पे। बात एकदम जायज है। सी ए के ई, केक का मतलब क्या आएगा बेटा? सुनिए देखो, 11 लिखा हुआ है, ये रहा 11, सॉरी 5, पहले 5 आएगा। ई का मतलब 5 आएगा, के का मतलब 11 आएगा। डी ई, बच्चे 1000 लाइव नहीं हो पाए थे, 945-46 तक पहुंच गए थे, आज 1000 का आंकड़ा अपन पार कर जाएंगे। 1000 से ज्यादा बच्चे क्लास में लाइव होंगे बेटा। जो सारे बच्चे इन सवालों को अभ्यास करेंगे तो आप भी कर दीजिएगा। रेगुलर बेटा क्लास चलेगी डेली आपकी, फिक्स टाइम क्लास का 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, टाइम भी बेटा चेंज नहीं होगा। मैं समझ पा रहा हूं कई लोगों ने सवाल किए बिना तुक्के मार दिए, बेटा तुक्के मत मारा करो, आप इन सवालों को करके प्रैक्टिस किया करो। डिवाइड वाले नियम काम करते हैं, लेकिन दोस्तों डिवाइड अगर एक से ज्यादा जगह एप्लीकेबल होता है तो ऑप्शंस आपको ट्राई करना चाहिए। और ये सॉल्व करने में कोई बहुत टाइम थोड़ी लेगा बेटा, ये सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल आपके 15 सेकंड लेगा, खत्म बात। देखो दोस्तों, नंबर बहुत छोटा चाहिए मेरे को 6, तो इसका मतलब यार ये 18 और 6 में डिवाइड कर लेते हैं। 18 भाग 6 माइनस 6, तो 18 करेक्ट आंसर। वन वर्ड इज अनइवन, चूज द ऑड वर्ड। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस का सवाल दोस्तों, पेन तो उठाने का मतलब ही नहीं है, चीजों को बस एक बार में देखना ही तो है भाई। जल्दबाजी कभी आएगा प्रवृत्ति कार, सुमित जांगड़ा आती है। कोविशील्ड का टाइम है 84 डेज का, 84 दिन का टीका। सारे बच्चे बेटा जरूर लगाना टीका, सारे बालक जरूर लगाइएगा। दोस्तों फिगर सीरीज टॉपिक है, कल शाम को 4 बजे की क्लास में आएगा ये, कल शाम को 4 बजे की क्लास में आपको फिगर सीरीज करवाया जाएगा, वहां पे आप कर सकते हैं। रॉन्ग पॉइंट बेटा, वी विल मेक इट क्लियर। सीरीज में क्या होता है, ये जो आपको आकृतियां बना के दे रहे हैं ना बेटा, देखो ये अंदर की तरफ है, फिर ये साइन ये बाहर हो गया, फिर अंदर बाहर, अब बाहर आए आउट हो गया, करना है तीनों। देख ये वाली आकृति एंटी ऑप्शन 20, इसके सारे का दिया हुआ है, क्लास में इसे पढ़ लिया वो तो इन सवालों के मास्टर बन जाते हैं, वो तो इन सवालों के टीचर बन जाते हैं भैया। आज के पेपर में मजे आ रहे हैं तुम्हें, आज के पेपर में मजे आ रहे हैं विश्वास भैया, ये बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों डेली क्लास में लाइव जुड़ते हैं, तो बेटा ये धीमे धीमे इन बातों को समझ ही पाएंगे ना बेटा। मल्टीप्लाई करने की बात मत सोचो दोस्तों, ये डिफरेंस का सवाल है, इतने हिंट आपको दे गई दोस्तों, ये डिफरेंस का सवाल है, डिफरेंस के कायदे कानून का। नौ दिस इज द करेक्ट, पर दोस्तों बड़ा शानदार चल रहा है, गलतियां मत करना, कहानी इजी बहुत है बेटा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आपको बताया गया था, ये क्वेश्चन दोस्तों मिरर इमेज और वाटर इमेज के कंसेप्ट पे काम करते हैं। एकेडमी ये काम आकृति बनेगी है कि कौन सी आकृति हिडन है, बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों, इस सवाल में आपको ये नहीं बोला गया कि रोटेशन नॉट अलाउड, तो जब नहीं बोला जाए तो इसका मतलब दोस्तों रोटेशन अलाउड होता है। जब आपको सवाल में ऐसी कोई बात रोटेशन की ना बोली जाए तो इसका मतलब रोटेशन इज अलाउड, और बड़ी चिंता वाली क्लास बात हो गई कि 47% बच्चे कर पा रहे। हर्षित कुमार कह रहे हैं सर थोड़ा टफ करवा दो, अरे मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में आधी क्लास नहीं कर पा रही,
इन 900,000 बच्चे लाइव हैं और इनमें से 44% बच्चे कर पा रहे हैं। अब आप समझ लो इस सवाल का लेवल क्या है। भैया कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें सेम आकृति सी में कहां दिख गई अमन भारद्वाज? ये केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है और बच्चों ऑप्शन का नाम है ऑप्शन नंबर डी। के अलावा कई तार्किक क्रम लगाना है, सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ऐसे। क्या बात है भाई साहब, आज के पेपर में तो नंबर बड़े कम आ रहे हैं, क्या बात है भाई। तुम्हें ये बेसिक वाली बात समझ में नहीं आ रही क्या? आप डॉक्टर हो जाएगा आपका 1000 से आपका सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम होगा बेटा। कंटिन्यू 1 बजे 1 घंटे की आपकी क्लास चलेगी डेली बेटा, आप एक पेपर सॉल्व करेंगे रेगुलर। इस सवाल में कई बार बच्चों को टाइम चाहिए होता है बेटा, 1 मिनट का टाइम अलॉट कर रहा हूं। ए सी डी ब्लैंक बी सी बी डी डी ए ए बी डी, ये लो जी। सबसे पहले आप इनको काउंट करना, जैसे ही इन्हें काउंट करोगे बेटा आप फैक्टर में तोड़ पाओगे, आप फैक्टर में डिवाइड कर पाओगे। बताओ कितना आसान है ये। आपने इन्हें काउंट तो कर ही लिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बेटा 18 को अगर आप चाहो तो 6-6 के पार्ट में तोड़ सकते हो और अगर आप चाहो तो 3-3 के पार्ट में तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहले वाले में आएगा ए, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, डी डी बी, डी डी बी का फैक्टर बनेगा, तो बी डी ए बी सी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 16 नंबर सवाल बेटा इतना आसान था। 17 नंबर सवाल दोस्तों ऑड वन आउट का सवाल है, ऑड वन आउट। 4 में से एक चीज को अलग करना है, बाकी के तीनों को सेम करना है। 3 सेम किसी भी एंगल से कीजिएगा, सवाल बहुत बेहतरीन है, सवाल बहुत अच्छा है और इसमें भी कई सारे बालक मैं आपको दिखाऊंगा, आपको गलती करते नजर आ जाएंगे। आपको बेटा इस सवाल में भी कई सारे लोग फॉल्ट करते नजर आ जाएंगे, ये मेरा पक्का गारंटी का काम है, देख लीजिए। मैंने कहा था बहुत सारे बालक गलती करेंगे दोस्तों, आधी क्लास सवाल कर पा रही है। आज का पेपर कहो ना कहो बड़ा शानदार है भाई साहब, सीजीएल का पेपर है दोस्तों, बहुत बेहतरीन, बहुत अल्टीमेट सवाल था ये। डिफरेंट्स कर सकते हैं, इसमें भी है और इसमें नहीं है उत्तर, ये ऐसा 6 सब में डिफरेंस है बेटा। फॉलो नहीं क्लास में लाइव चलेगी, 9 to 10 पढ़ेंगे डेली बेटा अपन। सम कार आर व्हीकल, नो व्हीकल इज अ फोर व्हीलर, नो व्हीकल इज अ फोर व्हीलर, बहुत बढ़िया। पहला, देयर आर नो कार दैट आर फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर आर कार, सम व्हीकल आर कार। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दोस्तों सिलोलिज्म का, सिलोलिज्म के इन सवालों में गलती मत कीजिए। अरे भाई चिल्लू गैंग ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत हो गया। सात सवाल बाकी हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन करेंगे पूरे। ऑल है की बातें आप पूरा सवाल बेटा अपन पूरे सीख पाएंगे भाई।
इसलिए लेकर चेक दिया जाता है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट। 14th बेटा, 14th तारीख का बैच लाइव होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और आप सब ज्वाइन करना भूलिए मत दोस्तों, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। बेटा YouTube पे गुरु कश्यप नंबर सिस्टम पूरा होने के बाद बेटा YouTube पे फाइनल है, स्टार्ट होगा मेंसुरेशन, उसके नोट्स बन रहे हैं, बन जाएंगे बट 2-3 दिन में, और नंबर सिस्टम पूरा होते ही स्टार्ट करवा देंगे। पेरेंट्स रिच पे हैं, ब्लड रिलेशन का एक काफी इजी सिंपल बेसिक सवाल है। पी क्यू का पिता है एंड आर का दादा है, ठीक है। आर एस का भाई है, एस की मां का विवाह वी से होता है, टी क्यू की बहन है, वी पी से कैसे संबंधित है। इंग्लिश के लिए भैया प्लेटफॉर्म पे बेहतर से बेहतर एजुकेटर है, रानी मैम है, अमन सर हैं, सुंदर सर हैं, बेटा आप किसी की भी क्लास फॉलो करो और कंटिन्यू क्लास लेने की ट्राई करो, आप समझ जाओगे। शुक्रिया भाई मिस्टर सेटिस्फेक्शन। आज के पेपर में गलतियां भाई साहब चल रही हैं, दिल खोलकर उठापटक चल रही है, मतलब बड़े भयंकर स्तर की उठापटक चल रही है, बड़े हाई लेवल की ना, कोई रॉन्ग पोल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही पोल है। बेटा मैं बताऊं तुम लोगों ने क्या गलती कर दी, तुमने पी क्यू का पिता और आर का दादा है ना, तुमने ये मान लिया भी पी क्यू का पिता है और आर का दादा है। ईमानदारी से बताओ बेटा आप लोगों ने ऐसा काम कर लिया क्या? हाँ, लेकिन देखो आर के दादा हैं दोस्तों, तुम्हें क्यू का जेंडर मेल थोड़ी दिया हुआ है, तुम्हें क्यू का जेंडर मेल थोड़ी दिया हुआ है भाई, तुम अपनी मर्जी से कैसे मान सकती हो ये चीजें? बस ऐसी तो गलती होती है एग्जाम में, और क्या होता है दोस्तों। सुनो, पी क्यू के पिता है, क्यू छोड़ो एक बार, आर के दादा हैं, तो पी का कोई बेटा है, और ये कहानी सही है क्या? पी आर के दादा हैं, आप कहोगे जी हां। आर एस का भाई है, बेटा आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, ठीक है। एस की मां का विवाह वी से होता है, दोस्तों एस की जो मम्मी है ना, इनका विवाह वी से होता है, यानी पी का बेटा वी आएगा, पी का बेटा कौन आएगा? वी, ये डायग्राम बनना चाहिए। और टी क्यू की बहन है, अपने को टी और क्यू से कोई मतलब नहीं है, वी पी से कैसे संबंधित है? वी पी का बेटा आएगा दोस्तों, सन इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने जो गलती करी मैं समझ पा रहा हूं आपने गलती कहां कर दी। हर्षिता देवेंद्र कोवैक्सीन, सुमित बेटा चार बच्चे हैं जो 20 के 20 सवाल एकदम ठीक कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुशांत स्काई अभिषेक, आप लोगों ने बेटा सुशांत और स्काई आपने 19 किए, अभिषेक सुमित सूरज और योगेश आपने 18 सवाल किए। करना एक रिक्वेस्ट बेटा मैं आपसे करना चाहता हूं, ये जो पी लिखा है ना बेटा, पी सॉरी फर्स्ट में क्यू लिखा है ना, इसको ओ मान लीजिए बेटा, तो फर्स्ट में वो बेटा पहले ऑप्शन का फर्स्ट लेटर ओ है, मैं देख पा रहा हूं कि थोड़ा सा काम उसमें गलत हो गया, कहीं बच्चे अटक नहीं जाएं। एक बालक है मंगल, मंगल को पता नहीं इतनी क्यों समस्या हो रही है। एक दिन पहले मैंने आपको इस प्रकार के ट्रैप में फंसा दिया था ना, मैंने ऑप्शन चेंज किया था, जो ऑप्शन चेंज किया था वो उत्तर नहीं था, मंगल कहता है कि तुम बार बार मुझे पोल क्यों दिखाते हो, तुम्हें नहीं दिखाते भाई, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिखाते हैं, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं ना शिद्दत से बेटा उनको चाहिए होता है। डी के ओ एल डी एस, सब में से एक एक माइनस कर रहे हैं, सब में से एक एक माइनस कर रहे हैं दोस्तों, तो आप भी सब में से एक एक माइनस करोगे, उत्तर एक वाला बनेगा,
सब में से एक एक माइनस कर रहे हैं, खत्म। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं दिए गए सेट के समान हैं। 7, 13, 21 रवि यादव, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतना टाइम इज मोर देन सफिशिएंट जितना मैं आपको दे चुका हूं सवाल करने के लिए। दोस्तों आज के पेपर में मजा आया तुम्हें सवाल करके, काफी बेहतरीन पेपर दोस्तों आज का। इनमें अंतर 6 का और इनमें अंतर 8 का सेम बात कहां मिलनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में, अंतर 6 का और अंतर 8 का, खत्म बात बेटा, और कोई चिंता ही नहीं है और कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल। दोस्तों मिरर इमेज का सवाल देख पा रहे हो, मिरर इमेज का क्वेश्चन सब बच्चे देख पा रहे हैं। बेटा जरा ये ध्यान दे लेना, बेटा ये गौर कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यहां लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहां लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहां लिखा हुआ है, ये गौर कर लेना, फिर कहना बेटा ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा, ये मत कह दीजिएगा कि सर हमने ऑप्शन नहीं देखे थे, ये मत कह देना हमने ऑप्शन नहीं देखे थे। बता लेफ्ट दी गई है, बी में कैसी दी गई, बहुत फर्क है गायत्री, चिंता मत करो बेटा, ए में और बी में फर्क है, आप क्लास के बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके देखना, ऑप्शंस में वेरिएशन है, विकल्पों में अंतर है। चार और 32 का रिलेशन कहां सेम बनना चाहिए, अच्छा ऑप्शन गलत है, वेरी गुड, बहुत खूब, तुम लोग क्या ऑप्शन में स्क्वायर का डबल ढूंढ रहे हो क्या, क्या बेटा ऑप्शन में स्क्वायर का डबल ढूंढ रहे हो, हाँ तो क्यूब का आधा कर लो, नहीं मिल रहा तो, अगर तुम्हें स्क्वायर का दुगना नहीं मिल रहा तो क्यूब का आधा कर लो, 64 का आधा करूंगा तो बनेगा 32, 6 का क्यूब 216, 216 का आधा करूंगा 108। आज के सवाल बड़े अच्छे थे ना दोस्तों, कल भी मैं आपके लिए इतना ही इंटरेस्टिंग, इतना ही जोरदार पेपर लेकर आऊंगा जिसके सवाल इसी प्रकार के लेवल के आएंगे। अगली क्लास अब रीजनिंग की दोपहर 11 बजे आएगी, 11 बजे की क्लास दोस्तों हम कराएंगे बेटा, आप प्लस पर इसको मिलाया दो तो जरा गौर कीजिएगा, चार ट्रायंगल तुमको नए और दिख जाएंगे, चार ट्रायंगल, ये चार कहां कहां है बेटा गौर कीजिएगा, देखिए दो तो ऐसे बनेंगे सीधे ट्रायंगल और दो ऐसे 25 क्वेश्चन हुए पूरे एकदम ठीक पा रहे हैं पढ़ाएंगे, और बेटा रीजनिंग के नए पेपर पे 9 o'clock tomorrow दोस्तों, शुक्रिया।